हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट क्रेजी धर्म पे। आइए जाने कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेली जा रही है, उसका दूसरा मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना था और वहां पे क्या रहा पूरा आंखों देखा हाल, उसके बारे में हम लोग विस्तृत में चर्चा करेंगे, यानी कि पूरे हाईलाइट्स के बारे में हम लोग गौर से देखेंगे कि मैच का हाईलाइट्स क्या रहा। तो आपको मैं बताते चलूं कि आज भी इसमें सेकंड दूसरे एक दिवसीय मैच में भी रोहित शर्मा हमारे भारतीय कप्तान जो थे हिटमैन, वो टॉस हार चुके थे और श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, ये देखते हुए कि पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बहुत बड़ा विशाल स्कोर खड़ा करा था 373 रन का। तो ये सोचकर उन्होंने भी सोचा कि बैटिंग पिच है और पिच बैटिंग के लिए अनुकूल भी दिख रही थी। शुरू में उन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत भी करी उनकी टीम ने और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले को गलत ठहरा दिया मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने कि अविष्का फर्नांडो को मैच के छठे ओवर में ही आउट कर दिया और अविष्का फर्नांडो 20 रन 17 बॉलों में बना करके आउट हो गए। उसके बाद नुवाइंदु फर्नांडो जो कि आपने अपना पहला मैच खेल रहे थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली और 6 चौकों की मदद से 63 गेंदों में 50 रन की एक बहुत अच्छी खासी सदी हुई पारी खेला और कुशल मेंडिस के साथ में एक अच्छा खासा पार्टनरशिप दिया, जिससे कि मैच का काफ़ी दबाव जो है इंडियन टीम पे, इंडियन बॉलर्स पे आ गया था और ये 16-17 ओवर तक इन्होंने 102 रनों पे नाबाद चल रहे थे एक विकेट के स्कोर पे। लेकिन तभी कप्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जितने सारे जो तेज गेंदबाज हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं और किसी को विकेट नहीं मिल रहा, तभी उन्होंने एक चाल चली और वो अपने तुरुप के इक्का जो है कुलदीप यादव को अटैक पे लगाते हैं। जैसे ही कुलदीप को अटैक पे लगाया, उन्होंने कुशल मेंडिस को LBW आउट करा दिया और उसके बाद अगले ही ओवर में फिर अक्षर पटेल को भी गेंद थमाई, जिन्होंने की भी एक विकेट वो ले लिया और धनंजय डिसिल्वा को 0 पे आउट कर दिया। तो इस तरह से 4 विकेट गिर गए श्रीलंका के और उसकी कमर तोड़ दी भारतीय स्पिनर के स्पिन गेंदबाजों ने और इसके बाद से इस चोट से कभी भी श्रीलंका की टीम उभर न पाई। उसके बाद असलंका आते हैं, सनाका भी आते हैं जो पिछले मैच में शतक लगाया था, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, वो भी कुछ खास न कर पाए और 2 रन बनाकर के मैच चलते बने। असलंका ने महज 15 रन बनाए 21 बॉलों में एक अच्छी बल्लेबाजी उनकी तरफ से करी वेला लागे ने, जिन्होंने कि 32 रनों की अच्छी खासी एक पारी खेली 3 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 34 गेंदों में और लग रहा था कि वो श्रीलंका के स्कोर को 250 के पार ले जाएंगे, पर ऐसा हो न सका। रजिते ने भी काफ़ी अच्छी जो गेंदबाज हैं उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी करी और 17 रनों का योगदान दिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 39.4 ओवर में श्रीलंका की टीम 215 रन बनाकर पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो सिराज ने इस मैच में भी काफ़ी प्रभावित किया और उन्हें महज 5.4 ओवर में 3 विकेट झटक लिए। शमी को इस मैच में भी कुछ खास सफलता नहीं मिली, पिछले मैच में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली थी और इस मैच में भी कप्तान बार बार उन्हें लगाए जा रहे थे कि शायद कोई विकेट मिल जाए, पर ऐसा हो न सका। अगर आगे चलते हैं तो अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, इकोनॉमिकली देखा जाए तो उनका इकोनॉमी रेट 3.2 का है, 3.2 का है और 5 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट चटकाए उन्होंने। उमरान मलिक जो कि तेज रफ्तार के सौदागर हैं, इस मैच में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा उन्होंने और 7 ओवर में थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे, 48 रन देकर 2 विकेट चटकाए। तो ये था पहला इनिंग जो कि भारत और बनाम श्रीलंका के बीच में हुआ है। आगे जब भारतीय इनिंग शुरू होती है तो भारत का तो शुरू में रोहित शर्मा ने चौका जड़ के एक इरादा अपना साफ कर दिया था, उन्होंने 2 छक्के और एक पुल शॉट भी, उन्होंने जो उनका जो फेमस ट्रेडमार्क शॉट है उन्होंने पुल शॉट पे छक्का भी लगाया था, जिससे कि ईडन गार्डन के सारे जो लाखों दर्शक थे वो काफ़ी जोश में आ गए थे और उन्हें लगा कि हमें वो 264 रनों की पारी जो रोहित शर्मा ने कुछ साल पहले इसी ग्राउंड पे खेली थी उसका नज़ारा देखने को मिलेगा, बट ऐसा हो ना सका और शुभमन गिल भी उनके बाद आउट होके चले गए। उनको रोहित शर्मा को करुणा रत्ने ने मेंडिस के हाथों कैच कराया विकेट के पीछे। बात करते हैं शुभमन गिल की, तो ये अच्छी लाइन में चल रहे थे, अपने अंदाज के विपरीत ये थोड़ी तेज खेल रहे थे और 12 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 21 रनों पे खेल रहे थे कि तभी ये अविष्का फर्नांडो को कैच थमा बैठे लहिरू कुमारा के गेंद पे। उसके बाद 2 विकेट गिर गई तो भारत के जल्दी जल्दी 41 रनों पे 2 विकेट गिर चुके थे। तब आते हैं हमारे पिछले मैच के शतकवीर किंग कोहली, और किंग कोहली के आते हैं ये लोगों को लग रहा था, भारतीय जो करोड़ों दर्शक हैं भारत के वो सोच रहे थे कि अब ये मैच जो है चेज मास्टर कोहली जिता देंगे हमें, पर ऐसा ना हो सका और लहिरू कुमारा ने इन्हें भी आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर जो कि पिछले मैच में ठीक ठाक छोटी सी पारी खेली थी और आते हैं और केएल राहुल पे सारा दबाव चलाया, जो कि ये क्योंकि ये एक आखिरी जोड़े ऐसे बचे थे कि जो कि मैच को आखिरी बल्लेबाजी जोड़े थे जो कि मैच को जिता सकते थे।
बट सुरेश शेठ थोड़ी थोड़ी 28 रनों की पारी खेल के 5 चौके की मदद से 33 रन पे बनाकर वो रजिता के शिकार हो गए और भारतीय टीम इस तरह से 4 विकेट लूज कर चुकी थी और एकाएक अचानक से सारा का सारा दबाव भारत के ऊपर चला आया। 86 रनों पे 4 विकेट खो चुका था भारत, तो लोगों को लगने लगा कि क्या होने वाला है, भारत ये टीम जीत भी ये मैच जीत भी पाएगी या हम सीरीज जीतने के लिए हमें अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा। बट ऐसा होने सका और हार्दिक पांड्या के साथ में मिलकर केएल राहुल ने थोड़ी स्लो बट अच्छी, क्योंकि इकोनॉमी रेट काफ़ी ज़्यादा कभी रहा नहीं था मैच में, लो स्कोरिंग मैच था, तो हार्दिक पांड्या ने अपने अंदाज के विपरीत 36 रनों की पारी खेली, महत्वपूर्ण पारी खेली 53 गेंदों में, और केएल राहुल ने 103 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली, ये भी इनके अंदाज के बिल्कुल विपरीत था। बाद में हार्दिक पांड्या करुणारत्ने के गेंद के कुशल मंडीज को कैच दे बैठते हैं, उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं जो कि 21 गेंदों में 21 रन बनाकर अच्छे खासे सपोर्ट करते हैं, और कुलदीप यादव ने एक विनिंग चौका 10 गेंदों में 10 रन बनाकर भारत को जीत दिलाते हैं, और इस तरह से 43.2 ओवर में भारत ये मैच मुकाबला पूरे अच्छे से 4 विकेट से जीत लेता है। तो और इस मैच की जीत के साथ साथ भारत ये 3 दिवसीय मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला भी जीत चुका, अपने नाम कर लिया, और इस मैच के खत्म होने के बाद कुलदीप यादव को 3 विकेट लेने के लिए और पारी की अच्छी शुरुआत करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।